दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, रात को आनी पानी बहुत ज्यादा आया था और देखिए गेहूं की हालत क्या हो चुकी है। साले सारी फसल बर्बाद हो गई यार हमारी, सब लूट गया, सब के सब जमीन पे गिर के एकदम। हाँ तो विराट, आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी से हम यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे खाते में 20 लाख रुपए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और तो दोस्तों मोदी जी, हमारे खाते में 20 लाख रुपए चाहिए क्योंकि हमारी 20 लाख की फसल नुकसान हो गई है। आप दिखाइए, सारी फसल जो है कि सब कुछ बिखर के जमीन पर पड़ चुकी है। और यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि पानी भी बहुत ज्यादा लग चुका है। हमारा गेहूँ सड़ चुका है, मतलब अभी सड़ा नहीं है, सड़ जाएगा। इस तरह से हमारी फसल जमीन पर रहेगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सारे किसान परेशान है और इस परेशानी का हाल यही है कि मोदी जी से रिक्वेस्ट है हमारा कि हमारे खाते में, हमारे नहीं मतलब पूरे किसान भाई लोग के खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं करेंगे तो अगला चुनाव हार जाएंगे। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई। दोस्तों देख सकते हैं पूरा गेहूं हमारा एकदम लोट गया, नुकसान हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। हल्का फुल्का जो बचा कुचा है वो अभी अभी मौसम खराब है, फिर बारिश हो जाएगी, फिर आंधी चलेगी, फिर खराब हो जाएगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी फसल को मतलब कि बचाएंगे तो नहीं, अब तो सब खत्म हो चुका है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, पैसे हमें चाहिए, पैसा हमें किसी भी हालत में हमें पैसे चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे, वोट साफ बात। पिछले ये हमारे पास के है एक बहादुर भैया, उनका भी फसल सब बर्बाद हो गया। पैसे कमी नहीं है लेकिन उनको बहुत तकलीफ है। तकलीफ होगी क्यों नहीं यार। हाँ तो इतनी मेहनत से सब लोग खेती करते हैं, किसान इतनी मेहनत लगाते हैं, सोचते हैं कि यार हमारा मतलब इस साल का इस फसल को बेच के इनकम करेंगे तो कुछ खर्च निकालेंगे, साल का अपना खर्चा चलाएंगे, लेकिन कहाँ मिलता है खर्चा, सब कुछ बर्बाद ही हो जाता है। भगवान तो साथ नहीं दे रहे, आप लोग भी नहीं दे रहे यार। हाँ तो विराट, बहादुर शाह को कितने पैसे मिलने चाहिए? इनको ढेर नहीं, ज्यादा नहीं, इनको कम से कम 10 लाख, हमको 20 लाख। बहादुर शाह को 10 लाख, 10 लाख इनको। और प्रिंस का भी पूरा गेहूं लौट चुका है। प्रिंस आपको कितना पैसा चाहिए भाई? 50-60 लाख। इनको 50-60 लाख रुपए चाहिए। मोदी जमीन है बेचे की जगह, मोदी 50-60 बीघा मारने लौटल है, 50-60 बीघा इनको लौटल है। और इधर दिखाइए पीछे की तरफ कुछ फसल बचा है लेकिन वो भी लौट जाएगा, वो भी गिर सकता है क्योंकि हवा चलने वाली है, क्योंकि मौसम खराब हो चुका है, हवा चलेगी। मल्लू बैग बचा लो नहीं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हमारी फसल भी समाप्त हो गई, ब्लॉग भी समाप्त हो गया, वायरल भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिल रहा। दोस्तों कैसा ब्लॉग चाहिए आपको? इतना बड़ा नुकसान हुआ, वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, अब क्या चाहिए आपको? अब क्या करें, यहाँ पे फिर से पानी अपना मशीन चालू करके भर दे, जो तो चालू करके यार। अरे ढेंगल, अरे प्रिंस। दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। और विराट सुबह का टाइम है दतवन करते हुए। किस चीज का दतवन भाई? तो नीम के दतवन से फायदा क्या होता है? पहला फायदा, आप जो आपके मुंह में कीटाणु रहेंगे ना सब मर जाएंगे, इतना तीता होता है, तीता। बहुत ही ज्यादा कड़वा और दांतों में चमक भी आती है इसे। और इसका ये फायदा एक और है कि मतलब कहीं भी गए नीम का पेड़ लोका, उस मतलब नीम का पेड़ दिखाई दिया उसको तोड़ के तुरंत शुरू हो जाए, मतलब किसी चीज का टेंशन नहीं कि ब्रश लाना है, मंजन लाना है, पेस्ट करना है, ये करना वो करना है। इसको करने के बाद यहाँ से तोड़ेंगे, फिर जीबी की तरह बनाकर इसको भी निकाल देंगे। ने कितने फायदे बताए? 3-4 बताए होंगे, 3-4 फायदे। हमारे ब्लॉग से आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है, बिना पैसा के फायदा तब का। दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा समाप्त, वैसे तो कब का समाप्त हो चुका था। एक बार आप लोग को प्रिंस की शक्ल हम दिखा दें। ये प्रिंस, ये प्रिंस। भाग रहा है, भागा तो भागा।